प्रायोजक हैं। रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम बात मुद्दे की। हम हिम्मत वाले हैं, हमने तो ब्लैक हैजा चेचक जैसी कई जंगें जीती हैं। उस दौर में न तो संसाधन थे और न ही लोगों में जागरूकता। अब सरकार भी संवेदनशील है, लोग भी सतर्क हैं, धैर्य से काम लें और घरों में रहते हुए पाठ कर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ने वालों का हौसला बढ़ाते रहें। ये वो कुछ ऐसे सकारात्मक संदेश जो हमें लड़की के लिए हौसला देते हैं, लड़ाई के लिए हौसला देते हैं, लड़ाई भी उस दुश्मन से जो अदृश्य है, जो कहां से वार करेगा पता ही नहीं। आइए इस भीषण महामारी के खिलाफ जंग में सभी एकजुट हों और कोरोना के खिलाफ जंग में जज्बा और जज्बात को भी बयां करें। आज पूरा देश इस संकट की घड़ी में कोरोना के खिलाफ रात 9 बजे अपने घरों की लाइटें बंद कर 9 मिनट के लिए दिए, मोमबत्तियां और टॉर्च की रोशनी से इस देश को रोशन करेंगे और लड़ेंगे इस अदृश्य दुश्मन के खिलाफ और दिखाएंगे अपना जज्बा, कोरोना जंग और जज्बा जज्बात। जी हां, यही आज का हमारा विशेष रहेगा। यहां हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रतिभा पाटिल से बात की है आज। इसके साथ ही उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एचडी देवगौड़ा से भी कोरोना के मुद्दे पर चर्चा की है। मोदी ने विपक्ष के कई नेताओं से भी बात की है। इस लिस्ट में सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव, स्टालिन और प्रकाश सिंह बादल के नाम भी शामिल हैं। पीएम ने इन नेताओं से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए की गई तैयारियों को बताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को, हम आपको बता दें, देशवासियों से अपील की थी वे रविवार रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाकर कोरोना फाइटरों के साथ अपनी शक्ति प्रदर्शित करें। पीएम की अपील के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्य की जनता से अपील की है वे रात 9 बजे दिया जलाकर एकजुटता प्रदर्शित करें। और हमारे साथ इस चर्चा में मेहमान भी जुड़ेंगे और डिजिटल समूह के ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी रहेंगे जो कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सीधे चलते हैं उन्हीं मेहमानों के साथ साथ रिजवान अहमद सिद्दीकी जी से भी बात करेंगे। और हमारे साथ जुड़ेंगे के सक्सेना, वरिष्ठ पत्रकार हैं। यहाँ पर हम खास बात बता दें, के सक्सेना वो मेहमान हैं जो कोरोना की जंग जीत कर हमारे बीच आए हुए हैं। बीच से मतलब यह है कि क्योंकि कोरोना वायरस चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखने की हिदायत बार बार दी जा रही है। न्यूज वर्ल्ड भी इसी हिदायत को जो है फॉलो करता नजर आ रहा है, इस पर अमल करता नजर आ रहा है। स्टूडियो में मेहमानों को ना बुलाते हुए वीडियो कॉलिंग के जरिए जो है उनसे बात की जा रही है, आप तक जानकारियाँ पहुँचाई जा रही है। रिजवान जी, सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा के सक्सेना जी का, न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। सक्सेना जी, आवाज मिल रही है आपको? रिजवान जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल कमर, मुझे जी सक्सेना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल आवाज सुन पा रहा हूं जी। रिजवान जी आपसे बात करना चाहेंगे, रिजवान जी बात कर सकते हैं, सक्सेना जी तक आवाज पहुंच रही है। के सक्सेना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका और गुंजन दोनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। और एक ऐसी लड़ाई, एक ऐसी जंग जीत कर आप आए हैं योद्धा की तरह, क्या अनुभव है आपके हमारे दर्शकों के साथ? रिजवान भाई, मेरा तो अनुभव ये है कि कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ हौसले की और हिम्मत की जरूरत है। आपका हौसला बुलंद है तो कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर आप अपना हौसला खो देंगे तो कोरोना आप पे हावी हो जाएगा और आप खुद भी विपत्ति में आएंगे और दूसरों को भी विपत्ति में डाल देंगे। अगर आपको कोरोना से लड़ना है तो आपको निर्भीकता का परिचय देना होगा। आपको जरा भी कोरोना से संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई दे तो उसकी सूचना तत्काल आपको संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को देकर, अपनी जांच कराकर
आप भी संतुष्ट हो और आपके आसपास के लोगों को भी संतुष्ट करें, और अगर आप पॉजिटिव हो तो आपको तुरंत जाकर इलाज कराना चाहिए अस्पताल में, और उस दौरान आपको अपने को गले को साफ रखने के लिए स्टीम लेना चाहिए, गरारे करना चाहिए, खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए, और सकारात्मक सोच में जो भी आपकी रुचि के कार्य हैं, अगर आप पढ़ना पसंद करते हैं, कोई चीज खेलना पसंद करते हैं जो बेड पे बैठकर आसानी से कमरे में आप खेल सकते हैं, वीडियो गेम है या कुछ भी है, कोई ऐसी चीज जो आपकी रुचि की हो, पढ़ने की, लिखने की, चित्रकारी की, जो भी आप करना चाहें वो करें, और अपने आपके आत्मबल को बनाए रखें। कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, आप खुद की भी रक्षा करेंगे और समाज की भी रक्षा करेंगे। मैं पीछे ले चलूं अगर आपको, पीछे के जो आपके अनुभव है, रिजवान भाई आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। मैं अगर पीछे ले चलूं आपको के सक्सेना जी, अगर मैं आपको पीछे ले चलूं, ये उस घटनाक्रम का भी मैं जिक्र करना चाहूंगा, ये जिन परिस्थितियों की वजह से आप दोनों लोगों को इनका सामना करना पड़ा, वो क्या थी, वहां कहां ऐसी असावधानी हो गई, क्या हुआ जो ये परिस्थितियां। रिजवान भाई मेरी तरफ से कोई भी असावधानी नहीं हुई, मैंने एक अच्छे नागरिक का, एक जिम्मेदार नागरिक का पूरी तरह परिचय दिया, मैंने कहीं पर भी ऐसी कोई चूक नहीं करी जिससे मुझे कोई शर्मिंदगी हो या मुझे कोई महसूस हो कि मैंने कहीं गलती कर ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 17 तारीख को सवेरे मेरी बेटी लंदन से फ्लाइट से रवाना हुई थी, वो रात को वहां देर रात पहुंची, एयरपोर्ट पर उसके चेक हुआ, उसको सब कहते हैं स्वास्थ्य अधिकारियों ने चेक किया और उन्होंने कहा कि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आप जाइए, अगर वो जरा भी अस्वस्थ होती तो एयरपोर्ट की अथॉरिटी उसको वहीं रोक लेती, लेकिन उन्होंने उसको वहां से स्वस्थ घोषित करके वहां रवाना किया और उनसे ये कहा कि 3 दिन में आपके स्टेट के, आपके शहर के स्वास्थ्य अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे। पूर्णतः स्वस्थ घोषित होने के बावजूद भी मेरी बेटी ने ये निर्णय किया कि वो घर आकर क्वारंटाइन रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि 5-7 दिन में इसके कोई लक्षण उभर कर बाद में आए, अगर कुछ दिक्कत हो तो। वो आके हमारे घर में, एक गेस्ट रूम है घर के नीचे के हिस्से में, वहां रही, जिस गेस्ट रूम को हमने पूरी तरह से ब्लीच करके वहां पर पूरी तरह से फिनाइल का, डिटॉल का पोछा लगवा के उसके कमरे को पूरी तरह तैयार करके रखा था उसके आने के पहले, जहां वो आकर रही, वो कम से कम लोगों के संपर्क में आई, घर के लोगों तक के संपर्क में नहीं आई, उसको खाना उसी जगह भेज देते थे, वहीं खा लेती थी, और वो निरंतर वहां रही, मेरे संपर्क में भी नहीं आई, मेरे परिवार में, मेरी पत्नी, मेरे बेटे के संपर्क में, हमारे यहाँ काम करने वाले कर्मचारियों के किसी के संपर्क में नहीं आई, और वो आराम से वहां रही, पूर्णतः स्वस्थ थी। लेकिन 21 तारीख को उसके गले में कुछ खराश हुई, उसने मुझे ये कहा कि पापा जी मेरे गले में कुछ खराश है, और जैसा कि एयरपोर्ट पे कहा था कि स्वास्थ्य अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे, किसी ने संपर्क नहीं किया है, मैं चाहती हूं कि अपन प्रशासन को इसकी सूचना दें। तो मैंने कहा बेटा सूचना क्या देना, अपन एक काम करते हैं, सीधा टेस्ट करवा लेते हैं, जो भी स्थिति होगी सामने स्पष्ट हो जाएगी। मैंने अपने परिचित डॉक्टरों से जानकारी हासिल, उन्होंने मुझे बताया कि इसका कहते हैं टेस्ट हो रहा है, तो मेरा बेटा उसके साथ रहा था क्योंकि वो दिल्ली लेने भी गया था, तो मैंने दोनों से कहा कि आप दोनों जाइए हम हॉस्पिटल और वहां जाके अपने जांच करा के आइए। दोनों जने वहां पहुंचे एम्स हॉस्पिटल में, कोई डॉक्टर उस वक्त उपलब्ध नहीं था, कुछ 15-20 लोग इस जांच के लिए वेटिंग रूम में थे वहां। उन्होंने मुझे फोन किया कि पापा यहाँ पर ऐसी स्थिति है, तो मैंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, आप रुकों में बात करो। मुझे ध्यान आया कि सबसे जिम्मेदार अफसर जिले के कलेक्टर होते हैं, मैंने श्री तरुण पिटेडी जी को फोन लगा के स्थिति अवगत कराया, उन्होंने मुझे कहा तुरंत निर्देश दिया कि आप एक काम करेंगे उनको वापस घर बुला लें, मैं आपके घर पे ही टीम भेज रहा हूँ डॉक्टर्स की, वो आके उनके सैंपल लेंगे और जांच करेंगे। मैंने उन्हें घर बुलाया, थोड़ी ही देर में वो लोग घर पर आ गए, थोड़ी देर में उधर से कहते डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस आई पूरी तैयारी से,
मुझे देखकर बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन इतनी अच्छी तैयारी से थे। डॉक्टर्स ने आकर, जो डॉक्टर आए थे मिस्टर थेटे, ही इज अ वेरी गुड डॉक्टर, उनके साथ जो नर्स थी वो भी बहुत अच्छी व्यवहारिक रूप से उन सब ने आके बातचीत करी। वो ड्रेस जो थे कोरोना की जो ड्रेस होना चाहिए उसमें थे, उन्होंने आकर बेटी के वाइटल चेक किए, मेरे बेटे के वाइटल चेक किए, मेरी वाइफ के, मेरे कर्मचारी के, उन्होंने कहा कि इनमें से किसी को भी कोरोना के सिम्टम्स नहीं है। और उन्होंने वो स्टाफ ने भी भरा, फिर भी उन्होंने कहा डॉक्टर टेटे ने कि ऐसा निर्देश है कि गुंजन का और विलक्षण का दोनों का सैंपल लिया जाए। मैंने कहा हमारा भी ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, आपके लेने के कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती, इन दोनों का सैंपल लेने का कहा गया। डॉक्टर थेटे ने दोनों का सैंपल लिया और उसके बाद वो चले गए। दूसरे दिन सवेरे मुझे मॉर्निंग में ये सूचना मिली कि गुंजन पॉजिटिव हो सकती है, आप उनसे पूर्णता दूर हो जाएं। तो ऑलरेडी हम लोग दूर थे, हम लोग ऊपर के हिस्से में रहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, हमारा गेस्ट रूम नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था। हमने ऊपर से ही गुंजन को ये बात की सूचना दी कि बेटा ऐसी सूचना आई है, आप वहीं रहिए। उसके बाद गवर्नमेंट की टीम ने गुंजन को पिकअप किया और एक हॉस्पिटल ले गई और वहां पर उसका इलाज हुआ। मैंने इस वक्त रिजवान भाई कि मैंने इस पूरे प्रकरण में कहीं कोई चूक की हो, अपने किसी सामाजिक दायित्व का निर्वहन नहीं किया हो। मैंने खुद आगे बढ़कर बताता तो, अगर नहीं बताता तो शायद इसके बड़े घातक परिणाम हो सकते थे। तो मैंने अपने आप को जिम्मेदार नागरिक पत्रकार होने के नाते जो मेरी जिम्मेदारी समाज के प्रति और प्रशासन के प्रति होती है उसका निर्वहन किया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश शासन पूरी सजगता से इस काम को कर रहा है। दो दिन बाद 24 तारीख को फिर से टीम आई और उन्होंने हमारे यहाँ के कर्मचारियों, मेरा, मेरी वाइफ का और मेरे बेटे का दोबारा सैंपल लिया, जबकि उसका बेटे का नेगेटिव आ चुका था। उनने सबके सैंपल दोबारा लिए और सैंपल लेकर आए, जिसमें दूसरे दिन हमको सूचना मिली कि मेरा जो है वो पॉजिटिव आया है। मैंने कलेक्टर साहब को मैसेज करके ये कहा कि सर मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी सिम्टम्स नहीं है और ये मेरा पॉजिटिव आया है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका क्रॉस चेक होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सक्सेना जी अपन क्रॉस चेक के मामले में बाद में कर लेंगे, आप अभी तत्काल एम्स चली जाइए। मैं एम्बुलेंस में बैठकर एम्स चला गया और एम्स में मैंने जाकर डॉक्टरों के पूरे निर्देशों का पालन किया, जैसा भी उन्होंने निर्देश दिए उनका पालन करते हुए पूरे 9 दिन वहां बिताए। सकारात्मक सोच पूरे कोरोना का सामना किया, जिसका परिणाम आप सामने है। आप मेरी आवाज आ रही है और मेरी बेटी दोनों स्वस्थ हैं। आपको मेरी आवाज आ रही है जी रिजवान भाई? कि आप गुंजन को तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास भी लेकर गए थे और वहां कई पत्रकारों को क्वारंटाइन होना पड़ा। इसमें ये पूर्णतः असत्य बात है, जिन लोगों ने भी फैलाई है उन पत्रकारों की बुद्धि पर मुझे शर्म आती है, क्योंकि मैं भी उसी समाज से आता हूं, उसी वर्ग से आता हूं। ये पूर्णतः झूठ है कि मैं अपनी बेटी को लेकर कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था, ये पूर्णतः असत्य बात है। अगर इसका कोई प्रूफ होगा तो उसका मैं कहते हैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन जिन लोगों ने यह प्रश्न उठाया है, अगर वो असत्य होते हैं तो उनको भी इसकी सजा मिलना चाहिए। उनने समाज को भ्रमित किया है, उनने पत्रकारों को भ्रमित किया है, उनने कई अधिकारियों को संशय में डाला है, इसकी सजा उनको मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री आवास जब आप गए थे तब आपको आभास नहीं था इस तरह की चीजों का, ये परिस्थिति? रिजवान भाई थोड़ा तेज बोले। जब आप मुख्यमंत्री के आवास गए थे पत्रकार वार्ता में जी, उस समय तक गुंजन लौट आई थी, तो आपको ये नहीं लग रहा था कि ये परिस्थितियां हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इसलिए नहीं रिजवान भाई, इसलिए नहीं लग रहा था कि उसको एयरपोर्ट पे स्वास्थ्य के जो चेक करने वाले थे उनने क्लीन चिट दी थी। ये हमारी खुद की अवेयरनेस की बात थी कि हमें मालूम था कि 5-6 दिन में इसके कुछ सिम्टम्स उभर सकते हैं, इसलिए हमने उसको गेस्ट रूम में रखा हुआ था। जबकि उनके बाद क्लीन चिट देने के बाद हमको ये करने की आवश्यकता नहीं थी। हमने इस बात का ध्यान रखा एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण, और वो खुद भी LLM की छात्रा है, वो
लिखी है वो खुद कानून समझती है, जिम्मेदारी समझी कि मैं क्वारंटाइन रहूं। इवन हमारे भाइयों तक को हमने उसके आने की सूचना नहीं दी, क्योंकि अगर हम सूचना देते तो हमारे भाई भतीजे बहू उससे मिलने आते, इसलिए हमने किसी को सूचना नहीं दी। और सबसे खास भी गुंजन से कोई नहीं मिलेगा, उसने स्पष्ट रूप से अपनी सहेलियों को जिनने मिलने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि वो 8 महीने बाद भोपाल आई थी लंदन से, सब उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उसने SMS करके सहेलियों को स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं आप लोगों से अभी नहीं मिलूंगी। तो हमने आंकड़ों से इस बात का ध्यान रखा और कहीं हमारी गलती नहीं है। अगर ये मालूम होता कि इसको कुछ सिम्टम है तो हम ये भूल कभी नहीं करते। मैं खुद भी घर में से नहीं जाता और दिन का सबसे पहले ही दिन में टेस्ट भी भेज दिया। एक आखिरी सवाल आपसे है मेरा कि ये परिस्थितियां आई हैं, हॉस्पिटल गए, क्या वहां कोई ऐसे सिम्टम्स थे, कुछ तकलीफ आप लोगों को सामने आई आपको? जी क्या कहा रिजवान भाई, वहां अस्पताल भी जब आप चले गए जी, तो कोई सिम्टम्स आपको थे ऐसे जिससे ये महसूस हो कि आप उस तरह की किसी के जो सिम्टम्स है, जो लक्षण है उसके, वो आप में कभी कुछ नजर आए या गुंजन उसको बुखार या इस तरह की चीजें थी, आपको भी ऐसा कुछ महसूस हुआ? नहीं, गुंजन को ये चीज महसूस हुई, उसके गले में खराश भी रही, उसको थोड़ा सा फीवरिश भी रहा, लेकिन मेरे बारे में बताऊं, उसके लिए उनने उनको दवाई भी दी, लेकिन मैं मेरे बारे में आपको बताना चाहता हूं रिजवान भाई कि मुझे कोई भी सिम्टम्स वहां पर नहीं दिखाई दिए, कोई भी शारीरिक सिम्टम्स दिखाई नहीं दिए। और इसका परिणाम यह रहा कि वहां के जो डॉक्टर्स रहे वो समझदार डॉक्टर थे और उनने मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं दी, सिर्फ मैं क्वारंटाइन रहा, गले की खराश को गले के गरारे करता रहा, गर्म पानी पीता रहा, गले में स्टीम लेता रहा और सकारात्मक सोच के साथ पढ़ता लिखता रहा। मुझे किसी भी प्रकार का कोई भी सिम्टम नहीं आया, सिर्फ ये रहा कि इन कुछ पत्रकारों और कुछ लोगों के कारण जो अखबारों में भी छपा और आप सब भी जानते हैं, उसका उल्लेख करना मैं यहाँ उचित नहीं समझता, उसकी वजह से मुझ पर कुछ मानसिक दबाव हुआ जिससे मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, जो मुझे कभी जीवन में ब्लड प्रेशर नहीं रहा, उसी दवा ने जरूर मुझे दी ब्लड प्रेशर को सामान्य करने के लिए, लेकिन कोरोना से संबंधित उनने मुझे कोई भी मेडिसिन नहीं दी। मैं अपनी विल पावर से, अपनी आत्मशक्ति से और अपने सकारात्मक सोच से अपने आप को कोरोना से बचा के लाया हूं। हमारे डीजीआना समूह के ही हमारे जो सहयोगी न्यूज चैनल है, दूसरा न्यूज चैनल DNA, उसकी एक डिबेट में भी आप 18 तारीख को आए थे, तब तक गुंजन आप घर आ चुकी थी जी। और उसकी वजह से वहां भी एक क्योंकि ये परिस्थिति आई, उसके बाद एक संशय भी पैदा हुई, तो उस समय गुंजन से मुलाकात हुई थी आपकी, नहीं हुई थी, क्या हुआ था? वैसे आपका पूरा ऑफिस जो है वो सैनिटाइज कराया, प्लीज दोबारा रिपीट करेंगे रिजवान भाई, क्या कहते हैं आप? DNA के ऑफिस से 18 तारीख को जब आप आए थे, उसमें तक आपका गुंजन से संपर्क हुआ था कि नहीं हुआ? जी नहीं हुआ था मेरा कोई गुंजन एक्चुअली शताब्दी एक्सप्रेस से आई थी ये। और मैं घर पे था नहीं, वो बेटे के साथ आई थी ये। मेरी पत्नी घर पे थी, उनको नीचे गेस्ट रूम में रख दिया गया था। हेलो के सक्सेना साहब, हाँ मैं कह रहा था गुंजन से हमारी बात हो जाएगी, वो भी एक योद्धा है, उससे भी अगर हम बात कर सके कुछ। मेरा गुंजन से उस समय तक कोई संपर्क नहीं था, मेरा डीजीआना से जाने के बाद उनसे मुलाकात हुई थी, वो भी दूर से मुलाकात हुई थी भाई। गुंजन से हमारी बात हो सकती है क्या? यस यस शी इज विद मी। बिल्कुल मेरी बात कराइए। गुंजन एक बहादुर बच्ची है, बहादुर बेटी है और उसने अपने सारी जिम्मेदारियों को भी निभाया है, उसके अनुभव भी हम साझा करना चाहेंगे। हेलो गुंजन से हमारी बात करवा दीजिए। नमस्ते रिजाना अंकल। नमस्ते गुंजन, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं?
बस हम सब भी अच्छे हैं और स्वस्थ हैं, घर के अंदर हैं। आप और आपके पापा दोनों बहादुरी के साथ इस जंग से जीत कर आए हैं और एक योद्धा हैं। क्या कहना चाहेंगी आप ऐसे समय में, अपने अनुभव शेयर करना चाहेंगी और लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए इस समय, क्या करना चाहिए, वो थोड़ा आप हमसे साझा करें। तो मेरा बस यही कहना है कि पहली बात तो इतनी सावधानी बरती जाए कि आपको बीमारी हो ही ना, और मैं हर क्षण ये प्रयास करती रही कि ना हो, ना मुझे हो, ना किसी और को हो। मैं जब लंदन में थी तब भी पापा से मना करती रही थी कि मैं नहीं आऊंगी, पर गवर्नमेंट की एडवाइजरी कुछ ऐसी इशू हुई कि उसके बाद आना मुश्किल हो जाता और वहां पर हालात भी सब खराब होते जा रहे थे, तो इट वॉज मैंडेटरी फॉर मी टू लीव लंदन एंड कम बैक। तो इन दोज कंडीशंस मुझे वहां से छोड़कर आना ही पड़ा, और इसलिए मतलब मैं नहीं चाहकर भी मुझे हो ही गई बीमारी, बट मैंने जितना प्रिकॉशन मैं ले सकती थी उतना सब लिया। ऑल दिस टाइम मैं कुछ चीजों का ध्यान रखती थी कि अपना हाथ मुंह से ना लगे, हाथ का ज्यादा इस्तेमाल ना हो, गेटवे खोले या कोई भी जगह टच हो रही है तो कोनी से गेट खोले। तो इन सब चीजों का अगर आप जनरली ध्यान रखेंगे तो आपको नहीं होनी चाहिए बीमारी। ऑन अ डेली बेसिस हाथ ज्यादा धोइए, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए। अगर अभी तक आप फ्रूट्स और ये सब नहीं खाते हैं तो अब खाइए, विटामिन सी वाली चीजें लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हल्दी दूध, विटामिन सी, इन सब चीजों से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और उससे आप कोरोना से मतलब बहुत हद तक सेफ रहेंगे। फिर तब आपने क्या किया उस समय से लड़ने के लिए? हाँ, तो उसके बाद मतलब मेरे पास ज्यादा कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो जो डॉक्टर्स बोल देते थे मैं वो सब कर रही थी, जो खाना रहता था वो सब खाती थी। एट सम पॉइंट मेरा सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट भी खत्म हो गया था, तो मुझे खाना खाने का मन नहीं होता था, पर बिकॉज आई वॉज ऑन स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड आई वॉज हैविंग पैरासिटामोल और बहुत ज्यादा हैवी मेडिसिन थी, तो इट वॉज मैंडेटरी कि मैं खाना खाऊं, तो मैं तब भी खाना खा रही थी। तो मेरा बस यही कहना है कि अगर आप मरीज हैं तो इसका ध्यान रखें कि आप अपना खाना ना रोकें, मन ना कर रहा है तो भी खाइए, खाना खाइए, खुश रहिए, फ्रूट्स खाइए, एंश्योर कि आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं, आपकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहनी चाहिए बॉडी में, क्योंकि एट दैट टाइम आपकी बॉडी उस वायरस को मारने की कोशिश कर रही है और कोई मेडिसिन नहीं है जो उसको मारेगी। दो बार रिपोर्ट आपकी और आई और आप दोनों बार आप लोग निगेटिव आए, उसके बाद जब आप घर की तरफ रवाना हो रहे थे उसके पहले चिकित्सकों ने आपको क्या सलाह दी, भविष्य में ऐसा क्या करना है, किस तरह से सावधान रहना है और क्या करना है, वो क्या क्या एडवाइस? तो मुझे जनरल इंस्ट्रक्शंस ही थे जो सबके लिए वैलिड है कि सोशल डिस्टेंसिंग करिए और क्राउडेड प्लेसेस पे ना जाए, जहां और क्योंकि लॉकडाउन है तो वैसे भी सब घर के अंदर ही हैं, तो घर के अंदर रहिए जितना ज्यादा हो सकता है, और लिक्विड ज्यादा लीजिए। दिस इज रिटन ऑन माय प्रिस्क्रिप्शन रिपोर्ट कि पानी की चीजें या लिक्विड जितना हो सकता है उतना लीजिए, तो ये मेरे इंस्ट्रक्शंस थे। गुंजन, आप और सक्सेना साहब दोनों हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार जी, किसी तरह से स्वस्थ बने रहिए, प्रसन्न बने रहिए और दूसरों को संदेश देते रहिए, योद्धा हैं और युद्धा की तरह आप बाहर। धन्यवाद रिजवान भाई, कल कराए हूँ। थैंक यू। सक्सेना अस्पताल से वापस लौटे हैं और एक बड़ी खुशी की भी बात है और लोगों को एक प्रेरणा भी इस परिवार से मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना की लड़ाई इन दोनों पिता और पुत्री ने लड़ी है
उसमें पॉजिटिविटी निकल कर सामने आई, एक पॉजिटिव संदेश दोनों पिता और पुत्री ने पूरे समाज को दिया है कि किस तरह से अपने आप को सुदृढ़ बनाए और इच्छा शक्ति के बल पर एक बड़ी से बड़ी बीमारी से भी लड़ा जा सकता है। तो किस तरह देखिए इस पूरे सफर को जो सक्सेना परिवार के बीच देखने को मिला, क्योंकि एक काफी लंबी दास्तान भी उन्होंने सुनाई, आप बीती सुनाई और एक बड़ा संदेश भी समाज को दिया है। रिजवान जी बिल्कुल खबर, और आपको मालूम है मैं क्वारंटीन हूँ घर में, बिल्कुल हम पति पत्नी दोनों क्वारंटीन है, और उसका योगदान के सक्सेना साहब को ही जाता है जी। उन्होंने हमसे बाद में साझा किया अपनी वो बात, के सक्सेना जी से हमारे बड़े घनिष्ठ रिश्ते हैं, वो हमारे सभी चैनलों में एज ए पैनलिस्ट आते रहे, तो हम उनके हालचाल तो जरूर पूछते रहे उनसे, लेकिन ये नहीं पूछ पाए कि जब आप आए थे तब उनसे आप कितना संपर्क में थे। लेकिन सावधानी हमने बरती, क्योंकि वो हमारे स्टूडियो डीएनएन के स्टूडियो आए थे, न्यूज वर्ल्ड का स्टूडियो नहीं है वो हमारे इस चैनल जिसमें हम चर्चा कर, लेकिन हमारा डीएनएन न्यूज जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऑफिस में आए थे। हमारे साथ यशवंत वली साहब जुड़ गए हैं, डीआईजी भोपाल। डीआईजी साहब न्यूज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। जी जी धन्यवाद जी। ग्रुप एडिटर रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे आपके साथ। ईशा साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, शुक्रिया। लगातार संघर्ष जारी है, लगातार आप लोग बहुत लंबे समय तक आप काम कर रहे हैं, वो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों से साझा कीजिए वो अनुभव, और आप क्या अपेक्षा करते हैं जनता से वो भी साझा। जनता से कोऑपरेशन की दरखास्त है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो कोऑपरेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा लैकिंग दिखता है, वो जहाँ भी थोड़ी सी भी छूट मिलती है तो तरह तरह के बहाने बनाना और घूमना, इससे जो है थोड़ा सा व्यवस्थाएं बिगड़ती है। सोशल डिस्टेंसिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो रियलाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो किस तरह से अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ये जो रियलाइजेशन है ये जो है लगातार प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। हम लोग को उम्मीद है कि थोड़ा और आने वाले दिनों में और समझ में आएगी। धीरे धीरे मरीजों की संख्या बढ़ती रही है, अभी तक तो वो पब्लिश नहीं हुई है, लेकिन जो हमारे पास सूत्रों से खबर है आज भी कई और मरीज संक्रमित मरीज जो है वो बढ़ गए, तो इन सब तरह की परिस्थिति और आगे क्योंकि लॉकडाउन अभी और इसके साथ साथ पुलिसकर्मी भी एक सुरक्षा कर्मी भी एक संक्रमित है, उसकी भी एक खबर आई, बहुत बड़े पैमाने पर पुलिस पूरे मैदान में है, डटी हुई है, आप सब लोग कितने कितने घंटे काम करने पड़ रहे हैं और अपने लिए किस किस तरह की सावधानी बरत रहे हैं आप? सब लोगों को जो है पुलिस क्योंकि बिल्कुल कटिंग एज लेवल पे है, लगातार इंटरेक्ट कर रही है लोगों से, कहीं से भी जो है उनको कंटामिनेट होने के चांसेस सबसे ज्यादा है, तो इसलिए थाना परिसर को सैनिटाइज करना, फ्यूमिगेशन करना, साफ सफाई रखना, अपने आप को क्लीननेस रखना, साबुन से हाथ धोते रहना, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, ये चीजें जो है लगातार उनको बताई जा रही है, लगातार फॉलो कराया जा रहा है, लगातार उनसे जो है निवेदन किया जा रहा है कि सब लोग जो है अपनी सुरक्षा रखें, डिस्टेंस बना के ड्यूटी करें, गोले घेर घेर करके जितने भी पॉइंट्स हैं एक दूसरे से डिस्टेंस बना के ड्यूटी करते हैं, ताकि एक दूसरे को भी जो है पॉल्यूट ना कर पाए, तो कोशिश जारी है कि दूसरों को भी सुरक्षित रखें और खुद भी सुरक्षित रहें। इन परिस्थितियों में कितने घंटे काम करना पड़ रहा है और ये जो तनाव होता है उसे दूर करने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं आप? ये घंटों का कोई हिसाब नहीं है अभी तो, और तनाव की स्थिति ये तो नहीं, काम जो है अभी जो लोगों की समस्याएं दूर कर पा रहे हैं, जो लोगों को कंटेन कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में जो है एक चैलेंज है, उसको जो है सब लोग अपने कर्मचारी बीमार ना हो और अधिकारी जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, सब लोग मिल करके काम करें, ये चैलेंज है, इसको जो है सबको मोटिवेटेड रहे, किसी का जो बॉडी लैंग्वेज कमजोर ना पड़े, ये सबसे इम्पोर्टेंट। ऐसे समय में परिवार से दूरियां हैं, परिवार से बहुत लोग दूर हैं, और भी बहुत सी तरह की चीजें हैं, इसलिए कि आप चूंकि मैदान में हैं तो आप बाकी सारे लोगों का पर कोई असर ना पड़े, परिवार के बाकी सारे लोगों के, उस समय उन परिस्थितियों में क्या क्या सावधानी बरती जाए? परिवार हम लोगों ने सब जितना मैदानी अमला है सबको बताए हैं, सबके कपड़े भी बाहर धुल रहे हैं, और कोशिश भी ये है कि जो भी एक्टिव फील्ड ड्यूटी में बिल्कुल भी घर जाने से पहले बिल्कुल अपने अच्छे से वॉश करके अपने जाए, ज्यादातर अधिकारी जो है वो अपने थाना परिसर में ही रह रहे हैं, ज्यादातर लोग जो है घर नहीं जा रहे हैं, कोशिश ये है कि किसी भी तरह करके अगर खुद से कुछ अगर हमारे माध्यम से कोई भी परिवारजन कॉन्टेमिनेट ना हो। वो सारे सुरक्षा के जितने तरह के उपाय हैं जो आप जिनका जिक्र कर रहे हैं वो आप कर रहे हैं, लेकिन उस तरह की यूनिफॉर्म, उस तरह की ड्रेस और बाकी तरह के मास्क और बाकी चश्मे और बाकी सारे तरह की चीजों
और किन किन चीजों की दरकार है आप लोगों को और कितने आपको उपलब्ध हो गया और कितनी और आवश्यकता है? अब इन चीजों में कहीं तक कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मास्क जिस चीजों के रिक्वायरमेंट है लगातार उपलब्ध हो रहे हैं, बट सप्लाई की कई बार प्रॉब्लम आती है, बट वही एक इशू है। रिसोर्सेज का कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही कि पैसे की दरकार की वजह से कोई सामान नहीं खरीद पा रहे, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। और क्या संदेश देना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों? लोग कोऑपरेट करें, घर पे रहे, बहुत इमरजेंट सिचुएशन ना हो तो घर से बाहर ना निकले, बहाने बना बना करके बाहर ना निकले, कोऑपरेट करें, अपने आप को सुरक्षित रखें, परिवारों को अपनी सुरक्षित रखें। बिल्कुल, बहुत 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 धन्यवाद आपका हमारे साथ। तो हमारे साथ जुड़े इरशाद अली साहब जो कि DIG भोपाल हैं, काफ़ी अच्छा संदेश रिजवान जी उन्होंने दिया है। और जो घंटों की बात काम के दौरान उन्होंने कही है कि इस वक्त काम को लेकर घंटे नहीं देखे जा रहा है, क्योंकि पुलिस मुस्तैदी से इस बड़े संकट में जो है समाज में जो आई समस्या उसको दूर करने के लिए सहयोग देती नजर आ रही है और साथ में संदेश भी देता नजर आ रहा है पुलिस विभाग। तो किस तरह देखे इस संदेश को, क्योंकि जागरूकता और जानकारी इसका बड़ा बचाव है कोरोना को लेकर बात दी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है, जैसे शादी साहब भी थे, भोपाल पुलिस की भूमिका बहुत सराहनीय है और भोपाल पुलिस की जिस तरह की भी तारीफ की जाए, इसलिए कि इतने दबाव इतने तनाव में, जैसा वो अभी कह भी रहे थे कि बहुत से लोग आनों को ही उन्होंने अपना घर बना लिया है, घर नहीं जा रहे हैं, परिवार के लोग संक्रमित हैं, उसका ध्यान रखते हैं, सावधानी करते हैं, ऐसी कई चीजें जिसका वो जिक्र कर रहे थे। साथ ही पुलिस अपनी इस पुलिसिंग के साथ साथ अपनी सुरक्षा की जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उसके साथ साथ जनता के साथ और भी बहुत ढेर सारी, कहीं किसी को भोजन पहुंचाने का काम व्यक्तिगत स्तर पर कर रही है ये अधिकारी कर्मचारी, कहीं किसी को और कोई समस्या है कोई व्यक्तिगत संपर्क करता है, इसलिए कि सबसे ज्यादा उपलब्धता जो है वो पुलिस की ही होती है, इसलिए कि वो मैदान में हर जगह दिखती, तो उससे लोगों का लगातार संवाद है। भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, हर जगह पुलिस अपने कई कई रूप में इसलिए, और पुलिस तो कई जगह का स्वांग भी रच रही है। बिल्कुल रिजवान जी, यहाँ पर एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, पुलिस विभाग के साथ साथ डॉक्टर और पत्रकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाते ही नजर आ रहे हैं, लेकिन समाज सेवी भी एक तबका ऐसा है जो लगातार इस संकट की घड़ी में लोगों की समस्याओं को समझते हुए आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है। और समाज सेवी हमारे साथ बैतूल से जुड़ गई है ललिता सिसोदिया जी, आप उनसे बात कर सकते हैं। ललिता जी आपका स्वागत है, रिजवान अहमद सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ग्रुप एडिटर, आपसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ललिता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे ये मन में ख्याल आया, ये जो आपने काम अपने हाथ में लिया है, और अभी तक कितने लोगों की मदद कर चुके हैं आप लोग, और किस तरह से कहां कहां से इसमें आपको सहयोग मिल रहा है, और आप लोगों को किस तरह से ये सब चीजें वितरित कर? सर, सहयोग तो हम खुद ही करते हैं, मतलब हमारा जो ग्रुप है वो ही सब मिलकर हम लोग सेवा करते हैं, समाज सेवा, और 2-3 सालों से करते आ रहे हैं। और लेकिन अभी जो आपदा आई है देश पर, उस घड़ी में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको मतलब भोजन नहीं मिल पा रहा है, या जो कोरोना वायरस के बारे में नहीं जानते हैं, तो हम लोग उनको सैनिटाइजर दे रहे हैं और मास्क दे रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं कि कोरोना वायरस से कैसे बचाव करना चाहिए और मतलब कैसे इससे दूरियां बना के रखना चाहिए, कैसे घर में रहना, हम लोग जागरूक कर रहे हैं सर, लगातार प्रयास करते जा रहे हैं। हमारी जो बहनें हैं घर में ही मास्क बनाकर बांट रही है, इस तरीके से हम लोग मदद कर रहे हैं। ये तो सैनिटाइजर है, वो क्या आप अपने स्तर पर बना रहे हैं या आप इसको मार्केट से खरीद कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उसका कैसे उपयोग कर रहा है? लोग मार्केट से खरीद कर ही मतलब उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन जो मास्क है वो हम घर में बना रहे हैं। मास्क आप किस तरह से बनाते हैं और कैसे ये इफेक्टिव है, आपको कैसे किस तरह से अंदाज हुआ कि ये इफेक्टिव होगा, किसी से गाइडेंस लिया आपने या आप स्वयं से कर रहे हैं? नहीं सर, हम लोग स्वयं से ही मतलब संगठन जो है हम लोग गाइडेंस वगैरह नहीं लिया, हमने बस मतलब ऑनलाइन नेट पे देखा है कि मास्क कैसे बनाया जाता है और उसी मतलब उसी मदद से हम लोग बनाए रहे हैं और लगातार बांटते जा रहे हैं गाँव में। और कितने 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 मास्क आप बांट चुकी हैं आप? अभी तक सर हम लोग कम से कम 200-300 मास्क बांट चुके हैं, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे ज्यादा, तो आसपास में या जो मतलब हमें ऐसे दिखते हैं कि सब्जी वाले ठेले वाले जो आ रहे हैं जो बिना मास्क लगाए हैं, हम लोग उन लोगों को बांट रहे हैं, या जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों में दे रहे हैं, आसपास के लोगों की मदद कर रहे हैं सर हम लोग अभी ज्यादा। तो
ये बताइए कि ये मास्क आप कैसे बनाती हैं, हमारे दर्शकों से साझा कीजिए, हो सकता है कुछ लोग और आगे आए इसके लिए। सर मास्क तो हम लोग घर में ही जो कपड़ा आता है उससे, और मास्क की आवश्यकता भी नहीं है सर। यदि हम लोग घर में ही रुमाल या मतलब अपना फेस पैक करके रखें तो जरूरी नहीं है कि मास्क ही यूज होना चाहिए, साधारण रुमाल भी हम यूज कर सकते हैं या जो स्कार्फ टोल जो महिला यूज करती वो भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ग्रीन कपड़ा जो आता है और इलास्टिक जो होती है उसके उसके सहारे से हम लोग मास्क बना रहे हैं और बांट रहे हैं। इसमें कुछ परत भी रखते हैं आप लोग? दो तीन परत रखते होंगे। सॉरी सर मैं सुन नहीं पाई आप। इसको कितने परत का बनाती है आप? तीन लेयर का बन रहा है सर ये। जी तीन लेयर में बनाते हैं आप, और उसके अलावा ये मास्क जो है इसको बार बार उपयोग किया जा सकता है, इसको किस तरह से वॉश करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो भी कुछ बताते हैं आप लोगों का। फैब्रिक यूज हो रहा है पतला, उसके ऊपर में एक मोटा फैब्रिक यूज कर रहे हैं हम लोग जो ग्रीन कलर का है, उसके ऊपर में एक और पतला फैब्रिक यूज कर रहे हैं। इस तरीके से हम लोग तीन लेयर में ये मास्क बना रहे हैं, और ये मास्क वॉशेबल है सर। हम लोग हमेशा मतलब लोगों को जब देते हैं तो उन्हें बताते भी हैं, जागरूक भी करते हैं कि इसको आप एक बार यूज करने के बाद में डेटॉल में या मतलब वॉश करें इसे। तो ये कितने दिन में वॉश करना चाहिए इसको, क्या बताते? नहीं सर इसे हम लोग पर डे वॉश करने की सलाह दे रहे हैं लोगों को कि आप जब भी बाहर से आते हैं उसके बाद में आप इसे डेटॉल के पानी में धोकर के धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए। बिल्कुल, इसमें प्रेस भी किया जा सकता है? जी सर इसमें प्रेस की जा सकती है। प्रेस समझ नहीं पा रही सर मैं। जी ललिता जी प्रेस की जा सकती है? प्रेस की जा सकती है धूप में? नहीं सर नहीं 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 सर इसे वॉश ही करना होगा, वॉश करके धूप में सुखाना होगा, धोना होगा। सुखा के प्रेस की जा सकती है? नहीं की जा सकती? नहीं सर प्रेस नहीं कर सकते इसे, क्योंकि इसमें जो पतली लेयर नेट की यूज हो रही है उसे वो मतलब प्रेस नहीं कर पाएंगे इसे। बिल्कुल बिल्कुल। सविता जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, और हमें उम्मीद है कि आपसे और भी लोग प्रेरणा लेंगे, और इस संकट की घड़ी में आप सब लोग मिलके कोई एक ऐसा नेक काम कर रहे हैं, और साथ में ही अपने लिए भी आप ध्यान दूसरों चीजों से बढ़ता है, आपको लगता है आप एक अच्छा काम कर रहे हैं तो कहीं संतोष भी होता होगा। सर हमें बहुत खुशी भी होती है कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, और लोग भी हमसे बहुत खुश है कि हम इस तरीके से काम कर रहे हैं। जो हमारे आसपास गरीब लोग हैं जिन्हें खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है, हम लोग घर से ही मतलब भोजन के पैकेट बनाकर उन्हें बांट भी रहे हैं, या और भी इस तरीके से बहुत सारी व्यवस्थाएं हो रही है बैतूल शहर में भी कि लोग। क्या नाम है आपकी संस्था का? एक बार बताना चाहेंगे। राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी संगठन है सर हमारा, और मैं उस संगठन में जिला महामंत्री के पद पे कार्यरत हूँ। बिल्कुल, आप सबको बहुत बहुत बधाई राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की, इन बहनों को, इस संगठन में काम करने वाले बाकी सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल ललिता जी जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रिजवान जी वाकई काफ़ी सराहनीय पहल सराहनीय काम करती नजर आ रही है, समाज सेवी जो भी संस्थान है, और ललिता जी भी एक बड़ा कदम उठाती दिखाई दे रही हैं संकट की इस घड़ी में, आसपास रहने वाले लोगों को खुद घर में मास्क तैयार करके दे रही हैं ताकि वो संक्रमण से बचें, और लोगों को संदेश भी दे रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जानकारी और जागरूकता को भी अपनाते हुए चलेंगे तो इस संकट की घड़ी में जो है इस लड़ाई को जीता जा सकता है। कई संदेश आज अपने प्रोग्राम में देखने को के सक्सेना जी ने दिया, डीआईजी जो कि पुलिस विभाग से हमारे साथ जुड़े थे उन्होंने भी पुलिस टीम को लेकर जिस तरह से सराहना की बात की, और एक सराहना और हौसला अफजाई की बात भी। एक बात और यहाँ करने की है, इसलिए कि आजकल रंगों पर भी बहुत कुछ होता है, बहुत सी सियासत होती है। आपने सुना सविता जी के संगठन का नाम क्या है? जी राष्ट्रीय युवा हिंदू वाहिनी। जी और वो किस रंग के कपड़े का इस्तेमाल कर रही है उन्होंने वो भी। बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है कि किसी इस तरह के मास्क में हरे रंग के कपड़े का उपयोग किया, लेकिन यही भारत है। उन्होंने नहीं सोचा किसी रंग के बारे में, कुछ नहीं सोचा, उनको लगा कि चिकित्सा उसमें इस तरह के रंग का उपयोग किया जाता है हरे रंग, तो राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी के लोग हरे रंग का मास्क वितरित कर रहे हैं लोगों के बीच में, और यही प्यार है, यही एकता है। बिल्कुल, और हर रंग हमारे, इन छोटी छोटी बातों में बहुत ढेर सारे संदेश छुपे हुए, और देश में वो इस तरह के बहुत से लोग, हजारों लाखों लोग
उठकर आए हैं, लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, और सब कुछ सरकार के भरोसे तो नहीं हो सकता। बिल्कुल, इसलिए सब हाथ बढ़ा रहे हैं और साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, इस संदेश के साथ हम लगातार आगे। बिल्कुल, एक बड़ा संदेश निकल कर आया आज की चर्चा में रिजवान जी। गंगा जमुनी तहजीब एक बार फिर भारत देश में लगातार देखने को मिल रही है। हर एक विभाग, सरकारी विभाग अपने जो है मुस्तैदी से जो है संकट की घड़ी में जो है लोगों का साथ, समाज में सुधार को लेकर आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो समाज सेवी भी जो है लगातार प्रयत्न करते दिखाई दे रहे हैं, संदेश देते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम अपने दर्शकों को भी लगातार यही संदेश देना चाहेंगे रिजवान जी कि जागरूकता और जानकारी ही इसका बचाव है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिस तरह से सरकार की तरफ से बार बार अपील की जा रही है, उसको जो है लगातार पालन में लाया जाए तो इस बड़े संकट से भी जो है निकला जा सकेगा। और आज जिस तरह से 5 अप्रैल है, रात को 9:09 के लिए रोशनी जो है आह्वान किया है, अपील की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे कम शब्दों में रिजवान जी? खबर इस पर हमने लगातार चर्चा की थी इससे अपने पहले प्रोग्राम में, और सबकी बात लबोलुआब यही था कि देश में एक आह्वान हुआ है तो सब अपने अपने अंदाज में अपने अपने ढंग से करेंगे। विषय पर किसी बात पर सहमति असहमति हो सकती है, तरीके पर सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन उसे विरोध न माना जाए। और कुछ लोगों का तर्क यह था कि हम जलाएं लेकिन लोगों के घरों के चूल्हे जलाएं, किसी का अपना तर्क था, किसी का था कि सब एकता अखंडता, और उन सब लोगों के लिए वो जो बहुत बड़े पैमाने पर खुद को खतरे में डालकर लोगों के लिए आकस्मिक सेवाएं उपलब्ध करवा रहे, उन सबके लिए हम दिया जलाएं, रोशनी जलाएं, इस तरह की चीजें करें। तो जाहिर है ये एक अभियान है, आप इससे सहमत असहमत हो सकते हैं और आप इसे अपने अपने अंदाज अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन ये एकजुटता का समय है, पूरा देश एकजुट होकर जंग लड़ रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री ने कोई आह्वान किया, चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसा हमारा अभियान है, हमारा खुद का, हमारे हमारे समूह का, कि कोरोना से है लड़ना, हराना है हमें कोरोना, इस जंग को हम जरूर जीतेंगे। बिल्कुल, जोश जज्बा जिस तरह से देशवासियों में देखने को मिल रहा है, और जल्द ही इस लड़ाई को भी फतेह करके दिखाएंगे देशवासी। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए रिजवान जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार भी संवेदनशील है, तो लेकिन लोगों को भी सतर्क होना होगा, धैर्य से काम लेना होगा, घरों में रहते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान भी देना होगा, क्योंकि ये एक बड़ी लड़ाई है, सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ी जा रही है ताकि कोरोना का सफाया किया जा सके। और ये तभी संभव होगा जिस तरह से सरकार लगातार अपील करती दिखाई दे रही है, और डिजियाना मीडिया समूह भी लगातार ये कहता दिखाई दे रहा है, अपना एक अभियान भी चला रहा है कि कोरोना से लड़ना है, और कोरोना से लड़ाई तभी संभव है जब इस सोशल डिस्टेंसिंग का जो है खास ख्याल रखा जाएगा, लॉकडाउन का पालन किया जाएगा, इस पर अमर करते रहें और जल्द ही ये बड़ी जंग पे भी कामयाबी हासिल हो जाएगी। और इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड।